बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई थी, तो इसीलिए हमारी टीम ने उन्हें स्ट्राइक दिया। लेकिन सर फिर आप खुद देखिए, मैं ऐसा कहीं नहीं बोली, मैं कहीं पर्सनल नहीं हुई, मेरे चैनल पे विपिन सर के खिलाफ कोई वीडियो नहीं गया है। मैं सच में स्कूल बहुत गंदा था और सिर्फ विपिन सर का उसमें हाथ नहीं था, पहले वाले मुखिया जो भी रहे हैं उन्होंने काम नहीं करवाया। नमस्कार, मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हमारे साथ इस फ्रेम में निभा जी हैं जो न्यूज चैनल चलाती है आर्यन न्यूज निभा। तो इनके साथ जो घटना हुआ था विपिन सर का, मैथ मस्ती जो उनका चैनल है उनका क्या पूरा मैटर है, उस मैटर पे हम बात करेंगे। अच्छा आप बताइए कैसे ये सब हो गया, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया और इतना ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और चैनल पे रिपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा क्या क्या हो गया था? देखिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं गांव में सिर्फ और सिर्फ एक मुखिया का काम दिखाने के लिए गई थी, लोगों के लिए गई थी, लेकिन पूरा मामला बिगड़ गया। और मैं कभी ऐसा सोची नहीं थी कि मतलब विपिन सर ऐसा कुछ करेंगे, पर्सनल हो जाएंगे। और आप जैसा देखें कि क्या मतलब मार्केट गांव में जब गए थे आप, तो कौन से मुद्दे पे आप ये सवाल खड़ा किए जो उनको बहुत बुरा लग गया? देखिए स्कूल का मुद्दा, क्योंकि आए दिन हम स्कूल का मुद्दा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, जैसा आप लोग भी जानते हैं, चाहे बिहार का कोई भी जिला हो स्कूली व्यवस्था बहुत ही खराब है। तो हम जा करके स्कूली व्यवस्था को दिखाएं, वहाँ का बाथरूम दिखाएं, वहाँ का गेट दिखाएं, वहाँ पर ये जो रोड है गली है ये सारी चीजें दिखाएं, जिससे सर पता नहीं क्यों भड़क गए। जबकि इस चीजों पर मुखिया को काम करना चाहिए। और मानते हैं कि वो मैथ्स के टीचर हैं और पंचायत के मुखिया भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो उस स्कूल के प्रिंसिपल को सामने आना चाहिए था। तो सर प्रिंसिपल नहीं आए क्योंकि उस दिन स्कूल बंद था और प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, संडे का दिन था। लेकिन चलिए देखिए, गांव के मुखिया का जिम्मेवारी होता है गांव को बढ़िया करना, स्कूल को बढ़िया करना, जो भी हॉस्पिटल है स्कूल में या जो भी चीजें हैं सुधारना। लेकिन यहाँ पर सब चीज उलट गया है और अभी फिर मामला बिगड़ रहा है, क्या हम बताएं। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ भी मामला बिगड़े। हमारी टीम सोची नहीं, टीम हमारी टीम का कहना था कि नहीं, अगर आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई है, गंदी चीजें बोली गई हैं, आपका नाम को बिगाड़ा गया है, तो उनके चैनल पर हम स्ट्राइक देंगे। क्योंकि बहुत सारे चैनल पर हमने स्ट्राइक दिया, क्योंकि हमारा ही फोटो लगा करके, हमारे चैनल का ही फोटो लगा करके मेरा उस पर बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई थी, तो इसीलिए हमारी टीम ने उन्हें स्ट्राइक दिया। लेकिन सर फिर मामला को बिगाड़ रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। बताइए कि आप भी उनके चैनल के लिए अपने ऑडियंस को बोले थे कि स्ट्राइक उनके चैनल पे दिया जाए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप खुद देखिए, मैं ऐसा कहीं नहीं बोली, मैं कहीं पर्सनल नहीं हुई, मेरे चैनल पे विपिन सर के खिलाफ कोई वीडियो नहीं गया है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुखिया पे सवाल उठाई थी, और जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा करके मुझे लगा कि नहीं सर अब काम करेंगे और ये मामला अब सुलझ गया है। लेकिन मेरे स्ट्राइक देने के बाद फिर क्यों मामला बिगड़ रहा है? क्योंकि यूट्यूब का रूल है कि अगर आप किसी का भी कंटेंट यूज करते हैं तो आप उस पर स्ट्राइक दे सकते हैं, यूट्यूब का रूल है, जो भी यूट्यूब चला रहे हैं उनको ये चीज पता होना चाहिए, हम चाहे तो आप पे स्ट्राइक दे सकते हैं। आप वो रूल को देख करके आप स्ट्राइक दी थी या फिर पर्सनल लेकर के? देखिए रूल हमारा मानना कि अगर कोई भी मेरा कंटेंट यूज करता है और मेरे बारे में आप शब्द बोलता है तो हम तो स्ट्राइक दे सकते हैं ना। हालांकि सर ने ये सारी चीजें कही और वो वीडियो तो मतलब पूरी जिंदगी उनके चैनल पे रह जाता, हमेशा के लिए रह जाता, तो इसलिए हमारी टीम स्ट्राइक दी। और उसमें मेरा ये ये मकसद नहीं था कि फिर से ये मामला बिगड़े, कॉन्ट्रोवर्सी फिर से शुरू हो। बस देखिए हम मामला को एकदम शांत करना चाहते हैं, क्योंकि सर भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, और ऐसे में हम कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सीधा सवाल है, स्कूल में प्रॉब्लम था या फिर प्रॉब्लम नहीं था, या फिर आप गलत दिखा दी थी कि सर इतना मतलब एग्रेसिव हो गए? देखिए सर आपने देखा होगा वीडियो में, सर ने खुद कहा कि नहीं अगर आप बोलेंगे कि ये पूरे बिहार का सबसे गंदा स्कूल है तो हम मानेंगे भी, क्योंकि सच में स्कूल बहुत गंदा था और सिर्फ विपिन सर का उसमें हाथ नहीं था, पहले वाले मुखिया जो भी रहे हैं उन्होंने काम नहीं करवाया या जिस तरह से फंड आया वहाँ पे काम नहीं हुआ, ये हम कह रहे थे। विपिन सर अभी मुखिया है, बस उन पे हम इसलिए सवाल उठाएं क्योंकि उनसे बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। विपिन सर तो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी वगैरह भी हम बनवा रहे हैं। हाँ बनवाए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग बोले, बहुत लोग बोले कि सर ने काम अच्छा किया है, लेकिन ठीक है कोई मुखिया काम करता है तो हम उस चीज़ों को दिखाने से अच्छा है कि हम वो चीज़ें दिखाएं जो काम नहीं हुआ, ताकि वो मुद्दे पर काम हो और चीज़ों को और अच्छा किया जाए। ठीक है अगर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर टावर खड़ा कर दिया, ठीक है तो ऐसा जगह में टावर खड़ा करवाना है जहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो ये चीज़ें हम करेंगे, ये चीज़ें हम दिखाएंगे, ये हमारा काम है, तो ये लोग क्यों नहीं समझते? आपका नाम भी खराब करने का कोशिश किए थे वो, पूरा
नाम तो खराब हो गया है ना, लोग बोल रहे हैं ना। निकनेम वो दे रहे थे। निकनेम तो दे दिए है ना। ये दूसरी वीडियो में फिर से यूज किए या फिर मतलब अब उस नहीं, को? इस वीडियो में नहीं यूज किए हैं सर। और सर ये कहे हैं अपने स्टूडेंट से कि रिपोर्ट मारने के लिए, लेकिन सबको मैं यही कहूंगी कि रिपोर्ट मारने से चैनल पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये होता है कि थोड़ा सा चैनल लो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना मेहनत करती हूँ कि चैनल को फिर अप करने की हिम्मत रखती हूँ। देखिए कोई लड़की हो के अगर ऐसे कर रही है तो इतना मान के चलिए ग्राउंड लेवल बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, और जो मैथ मस्ती ये जो सर चलाते हैं चैनल, तो उनके पास इतना ऑडियंस है और ऑडियंस का फायदा उठा करके वो फिर से इस कंट्रोवर्सी को करना चाह रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए था, जबकि सारा विवाद खत्म हो गया था, फिर से इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। इनका अधिकार था, इनका अपना कंटेंट था, ये कॉपीराइट लगा है उनके ऊपर, लेकिन ये तो पर्सनल चीजें नहीं है, तो सिस्टम की चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज को हम विरोध करेंगे, गलत कर रहे हैं वो। बिल्कुल देखिए सर, एक बार बात भी करते ना तो स्ट्राइक वापस भी आ सकता था, लेकिन सर फिर से वीडियो बना करके अपने स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि रिपोर्ट मारो, और सारे स्टूडेंट फिर से गालियां दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहती हूँ कि ये मामला सुलझे, और स्ट्राइक अगर दिए हैं तो हम वापस भी ले सकते हैं, बट हाँ सर को थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को लेकर के मतलब होना चाहिए कि नहीं मुझे भी चीज़ों को सुधारनी है। देखिए ओवरऑल ये कहना चाहेंगे कि वो भी अपने पंचायत में अच्छा काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई मैथ्स का भी क्लास बहुत बहुत ही अच्छा ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि ये भी महिला लड़की होकर के ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम कर रही है, बिहार के लिए वो भी काम कर रहे हैं, बिहार के लिए ये भी काम कर रही हैं, आपस में लड़ना ये मतलब सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या क्या मतलब लड़के क्या कुछ हो जाएगा, आप ही बताइए, हम लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि बैठे हुए हैं कि नहीं लड़ाई करना है, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में व्यस्त है। स्ट्राइक दिए हैं तो फिर से मामला उलझ रहा है, नहीं बिल्कुल मुझे उलझना नहीं है ना उलझाना इस मामले को, और स्ट्राइक कोई भी दे सकता है, अगर आप उसका कंटेंट यूज़ करोगे तो कोई भी इंसान स्ट्राइक दे देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को भड़काना शुरू कर दो। बाकी आप देखते रहिए सिल्क टीवी, और विपिन सर से यही बोलेंगे कि आपस में इसको सुलझा ले, ऐसा ना करें कि फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े, फिर से विवाद हो, और मतलब TRP के लिए कुछ भी करें हम और वीडियो बनाएं, ये हद तक सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी देखते रहिए सिल्क टीवी, धन्यवाद।